अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम मौजूद हैं इधर यानी कैपी पे। ये यानी कैपी से हम लोग बुरसा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं ये रे जीशान भाई। और यहाँ से बुरसा के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं इस फेरी में। ये हमारी फेरी है जो आके लगी है और इनका ये एक बेसिकली जैसे हमारे यहाँ बस अड्डा होता है, लारी अड्डा होता है, ये फेरी अड्डा है। यानी कैपी इसको कहते हैं, यानी पे कैपी बेसिकली एक एरिया का भी नाम है यहाँ पर और ये इसको भी यही कहते हैं आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो वी आर इन द क्यू राइट नाउ, सो वी आर वेटिंग फॉर आवर फेरी। यहाँ पर लग तो चुकी है ये, लेकिन हमें क्यू के थ्रू यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये है फेरी, ये इनसाइड हम अंदर की तरफ का रास्ता है। जीशान साहब डगमगा के चल रहे हैं और ये फेरी है अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी बेहतरीन किस्म की फेरी है ये। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इसको कि यहाँ पर बहुत से तरीके हैं बेसिकली बुरसा जाने के, थ्रू फेरी है और थ्रू बस है। हम लोग यहाँ पर बहुत से तरीक़ों से जा सकते हैं और ये मैं इस वक्त अपने आप को सैनिटाइज करते हुए, सॉरी। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, जैसे कि ऊपर भी है फेरी का। ये हम लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता ही क्यों लग रहा है कि ये ओपन एयर नहीं है। ये ओपन एयर नहीं है, ये ऊपर के हिस्से पे आके बैठ रहे हैं हम लोग। और ये एक बहुत ही अच्छी फेरी है और इसके अंदर जो है कंफर्टेबल सीट, जैसे कि एयरक्राफ्ट में लगी है सीट, बिल्कुल इसी तरह की सीट लगी है। और मैं आगे बैठना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है वहाँ से फेरी का वो टैंक है, वाटर टैंक। ओके, मोदी उस्मान गाजी बन नाम का एक ईडो का शिप खड़ा हुआ नज़र आ रहा है हमें। अब इसमें ऊपर भी जा सकते हैं डेफिनेटली, जाते हैं आपको फिर दिखाते हैं। हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये बाहर का एरिया है, हम यहाँ पर सिटिंग नहीं है इस फेरी में, लेकिन यूजुअली फेरीज में बाहर बैठने की जगह होती है। यहाँ पर नहीं मौजूद, इस फेरी में मौजूद नहीं है। अब हम लोग बुरसा के लिए रवाना हो चुके हैं और अच्छा समय है, अच्छी जगह है, अच्छा व्यू है और उसका बोल थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, इसलिए ये जीशान साहब हैं। जीशान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में प्लीज़। भाई, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इस्तांबुल का, यहाँ पे मेट्रो बसेस। ये फाद भाई हेलो कह रहे हैं सबको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्तांबुल में इस वक्त तमाम टाइप की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इवन इफ़ यू वांट टू गो बाय बस, आप जा सकते हैं। आपको मेट्रो ट्रेन अवेलेबल है, आपके पास टैक्सीज अवेलेबल हैं, आपके पास इसके अलावा छोटी छोटी सवारियाँ भी अवेलेबल हैं। लाइक एक ऑटो बस चलती है यहाँ पे, जो कि बहुत छोटी सी बस होती है जो करीब करीब के डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरह मेट्रो बसेस हैं, इसके अलावा मेट्रो बसेस बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मेट्रो बस का रूट बिल्कुल अलग होता है, तमाम तर रोड से हट के, जहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ट्रैफिक सिग्नल फेस नहीं करना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मेट्रो बस का जो रूट है वो बिल्कुल अलहदा है। उसके बाद आपको मेट्रो ट्रेन मिलती हैं जो कि अंडरग्राउंड है, मोस्टली अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसका, और वो पूरे शहर को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, जगहों को, एरियाज़ को। और फिर ये इन्होंने जो कैनल्स हैं और जो सी है, ये बेसिकली मरमरा सी कहलाता है जिसमें इस वक्त से फेरी ट्रैवल करेगी। और ये मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर यहाँ से जाती है। फ़िलहाल हम बुरसा जा रहे हैं इसलिए हमें बुरसा वाली फेरी मिली है। इसको यहाँ पे कहते हैं वाटर टैक्सी नॉर्मली। तो इसका एक स्टेशन है यानी कि पी पे ईडू के नाम से, यहाँ पर एक सर्विस है जैसे हमारे यहाँ मेट्रो कैब चलती है और दूसरी इसी तरह कोई ईडू नाम की कंपनी है जिसने
ये सर्विस लॉन्च की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े बड़े शिप्स भी इधर चलते हैं, ये उस्मान गाजी नाम का एक शिप है, अगर आप देख सकते हो सामने उस्मान गाजी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये शिप इधर खड़ा हुआ है बस। ये भी ईडू कंपनी का है, फॉर इसको कहते हैं कि ये जो माल बरदार जहाज़ होते हैं फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। मास्क यहाँ पर कंपलसरी है, मास्क के बगैर। मास्क तो भाई ऐसा है फाद भाई, जैसे कि आपने कपड़े पहने हुए इस तरह यहाँ पे बिल्कुल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी प्रिवेंशन को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस स्टॉप हो जाए, क्योंकि यही SOPs हैं। उसके साथ साथ ज़िंदगी बहाल है यहाँ पे, तकरीबन आम तौर पर आमदोरफ्त है, सारी चीज़ें हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद से पूरे नेशन वाइड इन्होंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं ये लोग, मास्क पहनते हैं, जगह जगह इन्होंने सैनिटाइज़र्स लगाए हुए हैं, और सैनिटाइज़र्स भी बड़े अच्छे लगाए हुए, क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत इस बारे में जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये अच्छे सैनिटाइज़र हैं जो 80% 90% तक जर्म्स वायरस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, काफ़ी बेहतरीन इनका सिस्टम है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बुर्सा जाके हम आपसे कहेंगे ये। एक और वीडियो अलग से कोशिश करेंगे कि हम जब बुर्सा पहुँच जाएँ तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आएँ जो खाली बुर्सा की हो, बुर्सा की उसमें मालूम होगी बुर्सा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बुर्सा बेसिकली शहर किस लिए जाना जाता है, वहाँ बिजनेस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं मालूम हैं हम आपको ये वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएँ और आप लोगों को वो भी दिखाएँ। शुक्रिया गाइस, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है बुर्सा में। इस वक्त मैं फेरी के बैक डेक पे मौजूद हूँ, जो पीछे का एरिया है, बेसिकली यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह की जाती है, तो आई विल स्मोक नाउ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।